नहीं, भाजपा कुछ नहीं कहती क्योंकि उनकी ही पॉलिसी है जो विफल हुए हैं और लोग असंतुष्ट है अमृतसर में। आपको मालूम था, जैसे मुझे आज बताया किसी ने कि इतना बड़ा ट्रेड नहीं था, 4,200 करोड़ की ट्रेड था पाकिस्तान के साथ अमृतसर के थ्रू। कह रहे हैं कि बांग्लादेश में उससे 10 बार है, 45 करोड़ का ट्रेड आजकल चल रहा है वहाँ बांग्लादेश साइड पे। लेकिन अमृतसर का दिक्कत जब ये लोग समझाए, मैं ये जानता हूँ क्योंकि जब मैं कमेटी का चेयरमैन था, गुरजीत सिंह औजला भी उसी वक्त कहा था कि आप आके देखिए बागा में। उस ज़माने में इतना रिस्ट्रिक्शन नहीं थे, फिर भी काफ़ी स्लो चल रहा था ट्रेड। वो चाहता था कि हम आके देखें क्योंकि अमृतसर के बिजनेस लोग चाहते थे कि हम ट्रेड को बढ़ाएं। अब बढ़ाने के अलावा कम हो गए, दोनों को चलाएंगे तो मैं कैसे समझूं। एक आदमी बोलिए ना, हो रहा है आप पंजाब से समझते, क्योंकि गुजरात से ट्रेड हो रहा है, बाकी पोर्ट से ट्रेड हो रहा है, बाकी पोर्ट से ट्रेड हो रहा है, लेकिन अमृतसर से क्या पंजाब से भेदभाव हो रहा है? देखिए, हमारा इरादा है कि ये सारे पॉलिसी रिव्यू हो जाए, क्योंकि नई सरकार तो नई पॉलिसी ही बनाएंगे। एक उदाहरण है ये जो कस्टम्स ड्यूटी जो लगाए हैं, ये भाजपा जो किया है, ये किया पुलवामा की बात, करेक्ट, 10 गुना बढ़ा करके टैक्स लगाए, उसके बाद बिजनेस प्रॉफिटेबल नहीं रहा। तो हम चाहते हैं कि हम भारतीय लोगों के हित में भी सोचें कि अगर हमारे लोग इसका विक्टिम हैं तो आप पाकिस्तान को क्या सिखा रहे हैं ये सब टैक्स लगा के? हमारे लोग को दिक्कत आ रही है ना। तो ये सारे पॉलिसी को हम दोबारा स्टडी करके तय करेंगे क्या करना है। लेकिन आप ये भी जानिए कि हम लोग सुने हैं, इस पार्टी सुनते हैं, ये नहीं कि वन वे डायलॉग हो, जैसे मन की बात सुनाए लेकिन दूसरों की मन की बात सुनते नहीं है। हम ऐसे नहीं, हम सुनते हैं। और आज जो ये 1.5 घंटे की बातचीत में अमृतसर की तरफ जो मैंने सुना और मैं जो जितने भी जवाब दे सका, मेरे ख्याल में इस किस्म की डायलॉग की बड़ी जरूरी है और हम पॉलिसीज को बदलने के लिए तैयार। सर, एक बात भाजपा कह रही है कि 400 पार लगातार उनका ये है कि अभी तो उन्होंने ये भी कहना शुरू कर दिया कि हम कर गए हैं 400 पार, तो आपको क्या लगता है, एक तो वो लेके जाएंगे और कांग्रेस इंडिया अलायंस कितना कॉन्फिडेंट है और क्या नंबर है आपका, क्या आप स्पष्ट? देखिए, नंबर बताना तो मेरे ख्याल में उपयोगित खेल नहीं है, क्योंकि नंबर तो कोई भी कुछ भी कह सकता है। अंत में सिर्फ जून 4 को हम जानेंगे असली नंबर। एग्जिट पोल नंबर भी ठीक नहीं होता है, तो मैं अभी कहता हूँ कि प्रथम जून को जब एग्जिट पोल निकलेंगे वो भी फाइनल नंबर नहीं, आप जून 4 तक इंतजार करने चाहिए। लेकिन 400 पार नामुमकिन है। अगर मोदी जी को गारंटी चाहिए, मैं गारंटी देता हूँ कि 400 नहीं पार कर पाएंगे, ये नामुमकिन है। मेरे ख्याल में जो मैं देखा, जैसे मैंने कहा, मैं पूरे देश में प्रचार करके ये बोल रहा हूँ कि मुझे काफ़ी स्पष्ट हुआ है कि 300 भी नहीं पार करेंगे। भाजपा का बहुत बड़ा प्रश्न है कि क्या उनको सारे उनके सहयोगी के साथ भी मेजॉरिटी पहुँच सकेंगे। हमें लग रहा है कि मेजॉरिटी नहीं मिलने वाली है भाजपा, और इसलिए हम कहेंगे कि इंडिया गठबंधन तैयार है सरकार बनाने के लिए जून 4 को या जून 4 के बाद, और उसमें मुझे ज़्यादा शक नहीं दिखता, क्योंकि पूरे देश में हर चरण में हमने यही देखा है कि भाजपा का हाल बुरा होते रहते हैं। और जैसे किसी ने पूछा, प्रधानमंत्री के बोलने में ही ये समझ गया कि उनका मन बहुत ट्रबल्ड हो गया है, कि उनको लग रहा है कि अभी उनका हार कंफर्म्ड हो गया। अगर सरकार बनती है तो क्या अमृतसर से गुरजीत औजला को कोई जिम्मेदारी दी जाएगी? बीजेपी वाले ये कहते हैं कि अगर हमारी सरकार बनती है तो 2 बारी हार कर भी हमारा बंदा जो है मंत्री बना है। अगर इंडिया जैसे आप दावा कर रहे हैं बनती है तो क्या गुरजीत सिंह औजला को जिम्मेदारी दी जाएगी केंद्र में? ये जवाब तो मैं नहीं दे सकता, क्योंकि मुझे कोई हक नहीं है मंत्री बनाने के लिए। लेकिन मैं ये सिर्फ बताऊंगा कि गुरजीत का काम जो हम सब देखे हैं 7 साल से, ये बहुत अच्छा काम है, बहुत सिंसियर काम है, बहुत हार्डवर्किंग प्रतिनिधि है अमृतसर का, वो बिल्कुल लायक है। ये लायक है बताने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अंत में तय करने का मुझे कोई हक नहीं है बताने के लिए। आपको पता है कि कांग्रेस का अध्यक्ष है, उनसे पूछिए। So 90% seems to be a bit high, but definitely there is a real problem of drugs and particularly smuggling from Pakistan. We have seen it by the land, we've also seen it by sea. There have been cases in which unfortunately large thousands of crores of drugs have been intercepted. So we know there is a problem.
What we have to do is really tighten law enforcement. And inside Punjab, the police have got to do a better job, not only at the borders when it comes in, but also when it's distributed within the cities and within the towns. It is a very dangerous problem. And I might add one more thing. I'm not passing the blame, but if the economy were better, young people would have better things to do than waste their money and their time on drugs. Part of the problem is people who are unemployed, who have no hope in life, they are the ones who are also tempted by this. So that also we will do. Because jahan bhi main gaya aur mere Kerala ke voting second phase mein the, uske baad to main pura desh chala hu aur jo main dekh raha hu, janta bhajpa se thak gaye. वो लोग बिल्कुल इस सरकार को वापस ले आना का इरादा नहीं है. वो उनके जो हार्डकोर सपोर्टर्स हैं वहाँ भी ज़्यादा आवेश नहीं देख रहे हैं, ज़्यादा ऊर्जा नहीं देख रहे हैं उनके लिए. और हमारे लोगों के लिए और हमारे जो सहयोगी हैं, जो दूसरे पार्टी हैं, जैसे तेजस्वी बिहार में या शरद पवार साहब महाराष्ट्र में, इस किस्म के हमारे सहयोगी सारे बहुत बहुत कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं कि उनको अच्छे सीट मिलने वाले हैं. तो हमें लग रहा है कि इंडिया अलायंस जून 4 को नई सरकार बनाएगी. इसमें सप्लीमेंट्री क्वेश्चन ये है कि जैसे जैसे सातवें फेज तक आए, मोदी जी जो प्राइम मिनिस्टर हैं या भारतीय जनता पार्टी, इनके बयानों में एक आप देख रहे हैं कि चेंजिंग आती गई. पहले फेज में कुछ थी, सेकंड में और यहाँ तक आगे टोटली बदल गई. इसका क्या कारण समझते हैं? देखिए, मैं तो ये समझा कि मोदी जी खुद समझने लगे कि ये हार आने वाली है और ये हारने का एक सबूत है कि इस किस्म की बातें जो ये हिंदू मुस्लिम, वो खुद कहा कि अगर मैं हिंदू मुस्लिम बात करेंगे तो मैं योग्य नहीं है प्रधानमंत्री होने के लिए, और फिर भी ऐसे अगले दिन भी ऐसे ही कहा. तो मेरे ख्याल में उसका मन जरा सा बिगड़ गया, क्योंकि भी हार उनका विफलता अभी साबित हुआ है उनकी भी बन. मोदी साहब कहते हैं कि वोट बैंक के लिए कांग्रेस अगर मुजरा करें तो करें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता. और इसके साथ ही वो कह रहे हैं कि मैं बायोलॉजिकल, मुझे लग रहा है कि मैं बायोलॉजिकल नहीं हूँ. तो क्या समझते हैं कि आप भी ये समझते हैं जैसे बीजेपी वाले समझने लग रहे हैं कि वो भगवान का अवतार है? देखिए, पहली बात ये है कि क्या ना भगवान से ना एक प्रधानमंत्री से हम इस किस्म की भाषा सुनना अच्छा लगता है? क्या मुल्ला मर्टन मंगलसूत्र मुजरा ये सब एक प्रधानमंत्री के लफ्ज है क्या? मुझे तो बहुत अच्छा नहीं लगता जब, क्योंकि हम सब समान देते हैं, सब इज्जत देते हैं, प्रधानमंत्री स्थान तो सारे भारतवासियों का है. तो जब हम देखते हैं कि प्रधानमंत्री उस स्थान से इस किस्म के लफ्ज इस्तेमाल करते हैं तो हमें तो बहुत बुरा लगता है, पहली बात. दूसरी बात यह है कि ये वोट बैंक की बात आपको अच्छी तरह मालूम है कि हमारे देश में अगर एक पार्टी है जो सबके नाम में काम करते हैं और सबको एक साथ लेके जाना चाहते हैं तो कांग्रेस पार्टी है शुरुआत से ही. हमारे जो रेपुटेशन है इस देश में कि कोई भी भारतवासी नहीं है जिनके लिए जगह नहीं है कांग्रेस पार्टी के अंदर, तो कौन है वोट बैंक? पूरा देश है हमारा वोट बैंक. माफ कीजिए, मैं पूरा समझा नहीं आप. From Congress, we have a state government with AAP, and then we have a government in the center, which is BJP. Now, put it all together, Punjab, abhi hamara discussion bhi andar hai, well, a lot of projects and things have been lost in this political transition. जी. So, currently, abhi is situation mein, jo aaj ka voter hai, wo Punjab ke liye kya expect kar sakta hai, and politically, what you can promise. देखिए, पंजाब इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेट फॉर अस. हमें तो लगता है कि पंजाब का विकास पूरा देश का हित में है, तो हम नहीं चाहते हैं कि पंजाब, आपने जैसे कहा कि विक्टिम बन गए हैं कि ये सारे कॉन्ट्रडिक्शन, ऐसे नहीं होना चाहिए. और मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि मैं तो केरला से आया हूँ, मैं भी देखा हूँ कि हमारे जवान युवा इस देश में रह के काम करने के अलावा छोड़ के जा रहे हैं, पंजाब से भी निकल जा रहे हैं, केरला से भी जा रहे हैं. मुझे ये पसंद नहीं है. मैं चाहता हूँ कि हम ऐसे देश बनाएं कि हमारे युवाओं के लिए अवसर बढ़ जाए और वो यहाँ रहने चाहेंगे. तो इसी ये बड़ी ज़रूरी है कि पंजाब के लिए वर्क नहीं है ना. आप देखिए कि जब बेरोजगार इतने बढ़ते बढ़ते जा रहे हैं तो वो क्या करेंगे यहाँ, इसलिए वो लोग जा रहे हैं. हम चाहते हैं कि इकोनॉमी, हम अर्थव्यवस्था एक स्थिति जनता के लिए बनाए कि हम काम वाले, हमारे फोकस है जॉब क्रिएशन. और जॉब क्रिएशन हमने हमारे मैनिफेस्टो जो न्याय पत्र लिखे हैं उसमें काफ़ी डिटेल में हमने किया बता दिया है
कि किस किस्म के पॉलिसीज हम लिखेंगे जो पंजाब में भी आपको बेनिफिट मिलने वाली है। सर आपने अग्निवीर योजना जो कांग्रेस ने कह दिया राहुल जी ने कि बंद ही करेंगे, लेकिन उसमें उसको रेगुलर कैसे उसमें कैसे जाएंगे, उसमें आपने थोड़ा सा क्लैरिटी नौजवानों के मन में नहीं है कि रेगुलर भर्ती होगी या किस तरह, क्योंकि बहुत सारे पंजाब के भी आप हर गाँव में जाओ हर गाँव में आपको एक ना एक शहीद का आपको गेट मिलेगा, बिल्कुल आर्मी में तो पंजाबी बहुत अच्छी रिप्रेजेंटेशन है मेरे ख्याल में, एक जमाने में 25% भारतीय आर्मी पंजाब से ही थे, तो हम चाहते हैं कि आर्मी का प्रोफेशनलिज्म जो है इसका जो एक्सलेंट प्रोफेशनल क्वालिटी, मैं तो जब यूनाइटेड नेशंस में काम कर रहा था मैं तो समाधान में पीस कीपिंग में था और वहाँ हमारी भारतीय फौज की रेप्यूटेशन दुनिया के सबसे बेस्ट आर्मीज के में एक थे, तो ये है भारतीय आर्मी। अब आप 4 साल के लोगों को लेके आएंगे 6 महीने की ट्रेनिंग करके उनको फ्रंटलाइन पे भेज देंगे, क्या किस्म का हमारे आर्मी की प्रोफेशनलिज्म को खराब कर रहे हैं आप ये अग्निवीर के नाम, और क्यों पैसे बचाने के लिए। प्रधानमंत्री ने दो बातें करी हैं, एक तो कहते हैं कि पंजाब में झाड़ू वाले ही अब नशा बढ़ा रहे हैं, और दूसरा जो इंडी गठबंधन को कहते हैं, इंडिया नहीं बोलते हैं वो, यहाँ पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस जो कहते हैं इनकी दुकान एक है और यहाँ पर अलग अलग लड़ रहे हैं, ये दो चीजें हैं। और इसके साथ ही सवाल पंजाब के लिए, देखिए प्रॉब्लम सब बता रहे हैं लेकिन व्हाट इज द सॉल्यूशन फॉर द पंजाब ऑल दिस प्रॉब्लम। सॉल्यूशन आप तो काफी सुने हैं, अभी हम तो 1.5 घंटे से बात कर रहे हैं गुरजीत और मैं, सारे पंजाब और अमृतसर के सॉल्यूशन से हम बोल रहे थे, लेकिन जो आपने दूसरे विषय बताया मैं क्या बताऊं, हमारे देश ऐसे बहुत बड़ा देश है और देश के अंदर हर राज्य में अपने ही राजनीतिक इतिहास है, अपने ही राजनीतिक कैरेक्टर है, तो मैं आपको बता सकता हूं जो आपने उदाहरण दिया पंजाब और दिल्ली के बारे में, मैं तो केरल और तमिलनाडु के बारे में बता सकता हूं। केरल में 55 साल से हम कम्युनिस्ट के खिलाफ हैं और हम हर 5 साल सरकार बदलती रही है, कम्युनिस्ट एक तरफ से कांग्रेस दूसरी तरफ से, लेकिन हमारे पड़ोस राज्य जो है तमिलनाडु, वहाँ CPM CPI कांग्रेस हमारे जो सहयोगी है मुस्लिम लीग और DMK सारे एक साथ है, ना कोई तर्क है ना कोई प्रॉब्लम है, सब एक साथ चुनाव लड़े, पिछले बार भी लड़े, आज भी लड़े और कल भी लड़ेंगे, कोई तकलीफ नहीं है। तो ये दो पड़ोस राज्य में ऐसे हो सकता है तो क्यों नहीं दिल्ली और पंजाब में। दिल्ली की यथार्थ अलग है, जमीनी हकीकत पंजाब, कोई शक नहीं कि दोनों जगह में इंडिया गठबंधन बेहतर करेंगे। राजस्थान में पिछले बार हम 0 थे, इस बार तो बहुत बहुत अच्छे रिजल्ट मिल जाएंगे। मैं तो गए नहीं राजस्थान क्योंकि वो हो चुका था जब मैं आ सका, लेकिन लोग मुझे जो बताए हैं वहाँ से बहुत बहुत इनकरेजिंग है। मेरे ख्याल में UP में भी आपको पता है कि हर चरण में अलग अलग सीटें वोट कर रहे थे, लेकिन हर बार जो खबर आ रही थी वहाँ से कि यह सब बदल जा रहा है, कि भाजपा के जितने 65 या कुछ सीट थे पहले उतना भी नहीं मिलेगा इस बार, वो कह रहे थे कि वो बढ़ते जाएंगे, अब नीचे होने वाला है भाजपा। इंडिया अलायंस की गवर्नमेंट बनने जा रही है आप ये दावा कर रहे हैं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट का कोई भी अभी तक ऐलान नहीं किया, कई बार तो आपका ही नाम आ जाता है कि शशि थरूर। देखिए इस विषय पे एक पार्लियामेंट्री सिस्टम में तय करने की कोई जरूरत नहीं है, आपको 2004 में डॉक्टर मनमोहन सिंह के लिए वोट किया था। बात यह है कि जब इंडिया गठबंधन जीत जाएगी तो सारे पार्टी में, हमारे पास 26 पार्टियां हैं, सारे नेताओं बैठ के वो लोग तय करेंगे कि उनमें से एक जो अध्यक्ष के रूप में प्रधानमंत्री का काम करेगा और सरकार को नेतृत्व दे देगा ये कौन होगा। मेरे ख्याल में हमारे तो प्रेसिडेंशियल सिस्टम नहीं है, प्राइम मिनिस्टरियल सिस्टम है। हमारा बहुत बड़ी अफसोस की बात है कि हमारे पार्लियामेंट्री सिस्टम को प्रेसिडेंशियल तरह से चला रहा है मोदी जी, ये नहीं होने चाहिए था। शशि की बात, राहुल जी भी आते हैं कहते हैं कि मित्रों का 16 लाख करोड़ रुपए का कर्जा माफ कर दिया गया, अगर इंडिया गठबंधन की सरकार आती है तो क्या ये वसूली उन मित्रों से की जाएगी, क्योंकि किसानों का कर्जा जो है वो तो माफ किया नहीं जा रहा। बिल्कुल हमारी चिंता ये है कि अमीर लोग के कर्ज अब माफ कर रहे हैं और साधारण लोग के कर्ज अब माफ नहीं कर रहे हैं। कोई अमीर आदमी का आत्महत्या के बारे में आप सुना है, कितने किसानों के आत्महत्या, ये 10 साल में करीब 1 लाख किसान अपने जीवन को बलिदान किया है क्योंकि उनको जी नहीं सके। तो इसलिए हम चाहते हैं कि ये सब ठीक तरह समझ के पॉलिसीज को बदल लें। क्या अगर कांग्रेस की सरकार आती है इंडिया गठबंधन की तो उनसे वसूली की जाएगी उस पैसे की जो माफ, ये सब नियम के अनुसार जरूर की जाएगी यार, कोई शक नहीं हो। सर
सब प्रोजेक्ट तो हर पार्टी लेके आ रही है, प्रोजेक्ट जो है नए नए प्रोजेक्ट सारिया पार्टी लेके आ रही है, बट ग्राउंड लेवल पे उसकी इम्प्लीमेंटेशन को लेकर कांग्रेस का क्या पता? देखिए, ग्राउंड लेवल इम्प्लीमेंटेशन हमारे देश का सबसे बड़ा समस्या, लेकिन क्योंकि हम अभी 10 साल बाहर रहे, हम देखा है कि क्या अच्छा चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, और बहुत ज्यादा चीज नहीं चल रहे हैं, उसको बदल के ही हम काम करेंगे। जैसे लाइक एक मुद्रा लोन की सुविधा अपना प्रधानमंत्री मोदी साहब ने दी है सबको, लेकिन ग्राउंड लेवल पर उसके पहले हम भी देते थे। बीइंग अ नॉर्मल मैन, अगर मैं जाता हूँ लोन लेने के लिए, तो एज पर द नॉर्म्स कोई गारंटर सिक्योरिटी नहीं है, बट मैनेजर कहता है हु आर यू, व्हाट इज योर फाइनेंशियल स्टेटस, व्हाई आई एम गिविंग यू योर लोन, तो व्हाट इज द ग्राउंड लेवल ट्रूथ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द न्यू प्रोजेक्ट्स? Correct. I mean, on this one, as far as the BJP policy is concerned, they'll have to speak for themselves. For us, we have always considered it necessary to have special consideration, whether it is student loans, whether it's mudra loans, microfinance, self-help groups. We have already had a policy when we were in UPA government to try and encourage opportunities for ordinary people, for the Aam Aadmi of this country, and I assure you we'll continue that policy. मैं बेनती करनी चाहना आज जड़ी साड़ी बिजनेस ने प्रोफेशनल कांग्रेस दे ऑल इंडिया दे इन्होंने अपनी पॉलिसी डिस्कस कीतियां ने सारे जड़े बिजनेस हाउस से उन्होंने नाल जड़े एनजीओ सन जड़े साडे प्रोमिनेंट जड़े अमृतसर दी आवाज चुकते नहीं दे उत्थे असी गल अमृतसर दे ट्रेड की कीती जी रिवायती इंडस्ट्रीज़ ने चाहे वह MSME है उन्होंने सारिया दोबारा तो रिवाइव कराने वास्ते स्टेट तो एक असी सरकार बन जा रही है वो असी क्या कि सानू कंसिडर करो कोई स्पैशल पैकेज दिता जाए बॉर्डर वास्ते जोड़ा ट्रेड है वाघा राही शुरू होना है वो डिस्कशन हुई है जी 200% कस्टम ड्यूटी है इमीजिएटली सरकार बनते असी इन्हों रिक्वेस्ट की कि एक दो मीटिंग पॉलिसी में देख के वो फैसला लिया जाए उन्होंने रिमूव किया जाए क्योंकि पहला व्यापार हूँ उधरों भी हो रहा फिर जो अमृतसर टूरिज्म है उन्होंने असी बेहतर बनाने वास्ते इन्होंने गलबात चर्चा हुई है और जोड़ा एक एग्जीबिशन सेंटर है कन्वेंशन सेंटर एग्जीबिशन सेंटर कन्वेंशन सेंटर वो अं चाहते हैं कि अमृतसर 100-150 एकड़ जमीन च बने और बाईपास रिंग रोड के नाल बने और मैं इन्होंने बेनती की है कि जिते भी सरकार एक सेंटर गवर्नमेंट यह पॉलिसी लेके आए कि जिते कुदरती फुटफॉल है जिमें हम इतने हरिमंदर साहब आते हैं बहुत टूरिस्ट आता है उस फुटफॉल के लिहाज के नाल सरकार उन्होंने ग्रांट दे स्टेट जमीन मुहैया करावे ये ग्रांट देन और एक 100-150 एकड़ एग्जीबिशन सेंटर स्पोर्ट सेंटर सारी जी एक्टिविटीज़ ने अंदर ही आ जाए क्योंकि जो हूँ योग है हूँ जो तो 4,000 बंदा इकट्ठा करना तो 4,000 कार खिलारन का तुम्हें प्रबंध चाहिए 4 की बजाय 5,000 कार ही खिलानी है उसके वास्ते बड़ी खुली जगह चाहिए और फुटबॉल भी ईजीली हो जाए मेरा मनना एक्सप्रैस वे आ रहा उस तो कोई लैग लैके वो दुआले कि 100-150 एकड़ जमीन से लैके उत्थे बनाना ही ज़्यादा बेहतरीन होएगा उत्थे असी चर्चा की है एयरपोर्ट पर चर्चा की है और जो मैडिकल टूरिज्म है वो चर्चा की अच्छा हॉस्पिटल अमृतसर होना चाहिए और इन्होंने विश्वास दवाया कि सरकार परमात्मा करे बनेगी 4 तरीक न और ये साढ़े वकील हो इन्होंने ये यकीन दवाया कि असी सारे रल के अमृतसर की तरक्की वास्ते तो इन्हों एक संबोलिक विजिट सी ताकि ये हकीकत जान लैन इन्हों की गल जी कल मैं लैके जावा या साड़िया जो ट्रेड यूनियन ने वो जान इन्हों गल पता हो साड़ी मदद कर सकन जो पॉलिसी चेंज करने की लोड़ पैंदी है पॉलिसी चेंज कर सकन एक होर जी मंग रखी है आम जी पॉलिसी है स्क्रैप कर देंगे ने पुरानी असी एक रिक्वेस्ट की कि पुरानी पॉलिसी को स्क्रैप ना करो पॉलिसी अमेंडमेंट करिए जोड़ा पुराना व्यापारी है वो पहले उच्च काम कर रहे हैं आ जी कोई इंडस्ट्री ला रहा वो नवी पॉलिसी के ना इंडस्ट्री नहीं ला सकता असी इन्होंने रिक्वेस्ट की है कि पुरानी पॉलिसी जी है उन्होंने चल जान दो अमेंडमेंट करो वो मर्जी है अगले नवी चला कि हाँ नवा प्रोजेक्ट नवी च लगेगा पुराने प्रोजेक्ट को रोकया नहीं जाऊगा इस तरह जोड़ा रियल स्टेट का मुद्दा उठाया उन्होंने इंडस्ट्री घोषित नहीं किया जा रहा वो भी रिक्वेस्ट की वह भी घोषित की जाए और जोड़ा रेरा एक्ट है सारे इंडिया के ABC कैटागरी सिटी ने डी कैटागरी तक भी है उन्होंने उस मुताबिक होना चाहिए एक जो रेरा एक्ट बन गया जो वे एक्ट बनते हैं वो वे बिजनेस हाउस लैके बना लेंगे ने पर थले तक फिर डिवेलपमेंट रुक जाती क्योंकि अपरूवल नहीं होंगी अपरूवल नहीं होंगे फिर इलीगल बन जाते हैं
फिर सरकारां च इलैक्शन तुरियां रहिंदियां ने, सरकार उस छोड़ दे दिंदी है, फिर वो दोबारा बन जाते हैं। सो इन्हों ने मैं गल कही है कि जिहड़ा भी एक्ट आना है, जिवें रेरा है, कोई पॉलिसी है, इन्हां ते सानूं एक अच्छे डिसीजन लैने पैणगे और असीं लवांगे भी। अमृतसर में अज इतने एक बहुत जिम्मे के सामने जितने स्पोर्ट्स लाते ना कांग्रेस पर उसे यूटिलिटी माल लैके आ रहे हैं अंडर वन रू ऑल इंडस्ट्री जोड़े काउंटर हो गए जिमें चाहे जलंधर के लुधियाने के एक ही रूप के थले उन्होंने काउंटर हो गए जो सा कोई व्यापारी आएगा वो एक ही रूप के थले आके उन्होंने गलबात करेगा अपना समान लैके उतों जा सकेगा और अंदर मॉल भी होगा होटल भी होगा एवरीथिंग उसके अंदर। ओयला साहब सवाल हिंदी में इसलिए पूछ रहा हूँ सुशील जी आप भी जान लें, ओयला साहब एक बड़ी समस्या यहाँ पर थी ट्रक की, ओयला साहब ओयला साहब आपने जो मुद्दा उठाया सुशील जी आप इसलिए हिंदी में पूछ रहा हूँ मैं, पंजाबी में आप जवाब दीजिएगा। आपने गांव गांव जाकर युवा ढूंढने शुरू किए, वहाँ से जो नशा करता था उनको रिहैबिलिटेशन सेंटर में लाया, आपने खुले तौर पर सीएम को यह चैलेंज किया था कि पुलिस वाले और कुछ ऑफिसर्स का एक नक्शा बना हुआ है, मैं उनको लिस्ट बताने के लिए तैयार हूं, इंटेलिजेंस को लोगों के नाम बताने के लिए तैयार हूं जो इस रैकेट को चला रहे हैं और जो जो एक माफिया संगठित बन चुका है। क्या आप अब जो इस चीज को मुख्यमंत्री ने तो आपसे पूछा नहीं, तो क्या उनको ये चीज सारी बताएंगे, एक प्लान बना के देंगे उनको कि ये पंजाब की समस्याएं हैं और इन चीजों का ये लोग हैं जो पंजाब को। देखो मैं एक स्पष्ट करना चाहता हूँ, जब तक मुख्यमंत्री होम मिनिस्टर इसको नहीं खत्म करना चाहेंगे, कोई एमपी बन जाए कोई एमएलए बन जाए नहीं खत्म कर पाएंगे। दिस इज़ अ बिग प्रॉब्लम, दिस इज़ अ माफिया। माफिया हम किसे कहते हैं जिसके पास पैसा आता है इलीगल वे से, और ये एक बहुत बड़ा माफिया है। मैंने बार बार सीएम को लिखा, सीएम ने कभी पूछा भी नहीं बुला के कि क्या दिक्कत है, ये नहीं ये सीएम, इससे पहले सीएम को भी लिखा। लेकिन मेरा मानना है कि हम केंद्र गवर्नमेंट को भी बोलेंगे इसके ऊपर कुछ सख्ती करें, या तो सरकार को फाइनेंशियली हेल्प बंद हो कि जब तक आप इसके जो इस पर तो फिनांस नहीं चाहिए, सरकार के पास पुलिस है तंत्र है उसको एक्टिव करना है, सरकार एक्टिव कर नहीं रही तो फिर हमें कोई ना कोई सेंटर को कुछ सख्ताई लेके आनी पड़ेगी। उसके लिए हम करेंगे क्योंकि जो होम जो सब्जेक्ट है होम सब्जेक्ट है ये स्टेट सब्जेक्ट है, लेकिन हम इसको मजबूर करेंगे कि ये सरकार इसके ऊपर सख्ताई करे, नहीं तो कोई ना कोई इसका प्रावधान। सर आम आदमी को दो चीज़ों की जरूरत है आज की डेट में, पढ़ाई और दवाई, पढ़ाई और दवाई पे क्या कांग्रेस कर रही है? सर मैंने सबसे ज़्यादा खर्चा जो मेरा एम पी लेड है स्कूल बनाए सर, मैंने 450 प्राइमरी स्कूल को एलिवेट किया, क्योंकि जब तक प्राइमरी एजुकेशन ठीक नहीं होगी वो ठीक नहीं हो सकता। गुरु नानक देव हॉस्पिटल में कैंसर इंस्टीट्यूट बन गया है सर, और न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट सब पे काम हो रहा है, मैंने एम्बुलेंस दी वहाँ।